नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान रमण महर्षि साधकों को उपदेश देते हैं और उस ग्रंथ का नाम है उपदेश सार। यदि आपने उपदेश सार को समझ लिया तो पूरा वेद उपनिषद आपके समझ में आ गया। और भगवान रमण महर्षि एक सीधा मार्ग बताते हैं, वो सीधा मार्ग हमको सीखना है। क्योंकि क्या है, वो जो सीधा का मतलब सरल मार्ग है। तो चलो हम शुरू करते हैं इसे उपदेश सार। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। अभी आज हम जो श्लोक ले रहे हैं वो 17वां श्लोक है 17। मैं शुरू करता हूँ, मैं श्लोक बोलता हूँ, फिर उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन वो समझ लेंगे कि श्लोक में भगवान क्या बताते हैं। मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्ग आर्जवात्। भगवान बताते हैं मानसं तु किं मार्गणे कृते न एव मानसं मार्ग आर्जवम्। मन है क्या, ऐसी विचारणा यानी मन की शोध करने से पता चलता है कि मन जैसी कोई सत्य वस्तु है ही नहीं। ऐसा विचार मार्ग आर्जव अथवा रुजु अथवा सरल और सीधा है। देखो एक बात क्या होती है कि जैसे मैं कभी बार बार बताता हूं कि यदि कोई आदमी पूछता है कि गुरुजी ये पुनर्जन्म क्या होता है, तो मैं उनको बताता हूं कि जन्म इसी का होता है जो जन्म लिया है। यदि आप अपने को अजन्मा मान लेते हैं, सीधा आत्मा के बारे में सोचे तो पुनर्जन्म की बात ही नहीं आती है। आप सीधा आत्मा के बारे में सोचो कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। ऐसा सोचने से पुनर्जन्म की बात को ही खत्म कर दो। जो आप सोचेंगे मैं देह हूं, तो देह के लिए भी ऐसा आपको रहेगा कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। यदि आपको जीव मानेंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो भगवान ये जो डिनाई करते हैं, किसको डिनाई करते हैं, उसका निषेध करते हैं, मन का ही निषेध कर देते हैं। मन है ही नहीं, ऐसा भगवान बताते हैं। तो कैसे बताते हैं, चलो हम समझते हैं। तो जैसे ही आपके शरीर को मेरे साथ आप बोल सकते हैं तो बोलिए कि अहम इदम शरीरम न अस्ति, मैं यह शरीर नहीं हूं। तो कौन हूं, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये वेदों का सार है। यदि आपको सार समझ में आ गया, अभी भारत में क्या है मैं आपसे बताता हूं, लोग लंबी लंबी बातों में उनको मजा आती है। एक सीधी बात है कि सीधा है, लोग मेरे पास आते हैं कि गुरुजी हमको उपदेश दीजिए, तो मैं उनको बताता हूं उपदेश में कितनी टाइम लगता है। दो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये अल्पकाल, सब विद्या आ जाती है। मैं लोगों को बताता हूं एक बात को सुन लो, एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, अहम इदम शरीरम न अस्ति। तो आप कौन है, तो मैं ब्रह्म हूं। जब आपको मालूम पड़ जाए कि मैं ब्रह्म हूं, तब सब पूरा आपको ज्ञान हो गया। उसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि आपने साधना को छोड़ दिया, साधना तो आपको सर्व ही रखनी है। तो वो भगवान बताते हैं कि मन क्या है, ऐसी विचारणा यानी मन की शोध करने से पता चलता है कि मन जैसी कोई वस्तु नहीं है। देखो मैं आपसे बताता हूं कि आपका शरीर है, तो बिफोर योर बर्थ जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब क्या था, आपका शरीर ही नहीं हुआ था। जब एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप शरीर छोड़ के चले जाएंगे तो शरीर भी नहीं रहेगा। तो ये जो शरीर है वो आदि और अंत, ऐसा आप समझ लो कि अभी है तो, और सोचेंगे तो शरीर है ही नहीं। आपका जीव भाव है, जीव भाव है, फिर मन है। अभी और सोचेंगे और आगे चले जाएंगे। देखो ये बात आप समझ रहे हैं मगर ये अनुभूति की बात है तो थोड़ा कठिन होता है। मगर आप साधना कर रहे हैं तो साधकों को बताना मेरा कर्तव्य आता है, इसलिए मैं आई परफॉर्म माई ड्यूटी टू शो यू द रियल वे टू गॉड रियलाइजेशन और अल्टीमेट रियलाइजेशन। तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपसे बताता हूं कि मन क्या है। देखो यदि आप सोचेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ये मन होगा। जब आप समाधिस्थ हो जाएंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं मन नहीं हूं,
ये विचार आते हैं, किसको आते हैं, तो बोलते हैं मैं विचारों का साक्षी हूं, दृष्टा हूं, तो मन चला जाता है। देखो अभी क्या होता है, लोग आप गाड़ी में बैठते हैं और फिर जैसे मैं बताता हूं कि मुंबई से लेके आप अहमदाबाद गाड़ी में गए तो क्या होगा, आप तो गाड़ी में बैठे थे, मन चला कौन, गाड़ी चली। ऐसे ही मैं आपसे बता रहा हूं कि ये जो मन है उसका आप साक्षी है, यू आर द विटनेस ऑफ योर माइंड, तो आप मन नहीं है। जैसे आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे अभी उदाहरण के तरीके मैं बताता हूं कि यदि आपको कोई दुख हो गया तो दुख किधर होता है, कि आपके वो जो दुख है ना वो आपके मन में होता है और वो आप मन को अनुभूति कर अनुभव में आता है, आप देख रहे हैं कि मन दुखी है या सुखी है, इसलिए आप मन का साक्षी है। जब साक्षी होता है, ये अध्यात्म की ऊंचाई है, ये भारतीय तत्वज्ञान की श्रेष्ठतम बातें हैं। तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, पहली स्थिति है आपको मन बनाना पड़ेगा। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उस डिवाइन विल को यदि आप समझ गए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो वो मैं फिर से पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ और फिर हम आगे समझेंगे। तो मन क्या है, क्या है, व्हाट इज, हु इज माइंड, मन क्या है, ऐसे ही समझेंगे, ऐसे विचार करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मन है ही नहीं, मन सत्य नहीं है। देखो मन है, टेम्पररी है, जैसे अभी आपका बचपन था तो वो टेम्पररी, फिर आपकी किशोर अवस्था टेम्पररी, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर जब आप चले गए तो वो टेम्पररी है। सत्य जो है वो आपका आत्मा है, तो सत्य का बोध करना है, यदि आपको गॉड रियलाइजेशन तक जाना है तो सत्य का बोध यही है कि आप ये शरीर नहीं है। इसलिए जब मन में कोई सुख दुख होता है तो आप उसी के साक्षी बन जाओ, और वो भगवान की बात तभी समझ में आ जाएगी कि जब मालूम पड़ता है कि मानसम तु किम मार्गणे कृतम न एव मानसम, ये मन ही नहीं है, सिर्फ जो बसता है वो ब्रह्म बसता है। तो ऐसे आप सोचिए, श्रवण किया, मनन कीजिए और निधिध्यासन कीजिए, रोज साधना कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, फिर प्रभु ने जो बताया है वो ब्रह्म चिंतन कीजिए, और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाए, निर्विचार निरावलंबन कीजिए, ऐसे बैठे रहिए और मन में जो चल रहा है उसे देखिए, स्थिति आ जाएगी। ध्यान एक परम औषधि है, ये दुनिया में औषधि क्या है, तो परम औषधि है वो ध्यान है, उस औषधि को लीजिए और ध्यान करते करते आपका जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा और आपको मालूम पड़ेगा चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो हम। और यही मार्ग है, भगवान बताते हैं रुजु है, सरल है, एकदम सीधा मार्ग है। तो चलो हम सीधे मार्ग पे चलते हैं, सीधे मार्ग पे चलने के लिए आपको प्रभु की शरण में जाना है, प्रभु की शरण ले लो, ध्यान करो, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू।